हेलो वेल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। दिस इज़ योर असेसमेंट 12, क्वेश्चन बैग 1। फर्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ लाइन। इट्स करेक्ट आंसर इज बी। सेकंड, पी क्यू रिप्रेजेंट्स अ करेक्ट आंसर इज सी, लाइन सेगमेंट। थर्ड, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन द एडजेसेंट फिगर। करेक्ट आंसर इज डी, 13। फोर्थ, हाउ मेनी डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन द एडजेसेंट फिगर। करेक्ट आंसर इज डी, 30। फिफ्थ, 8 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर इक्वल्स। करेक्ट आंसर इज बी, 8.3 सेंटीमीटर। सिक्स, ईच साइड ऑफ अ पॉलीगॉन इज अ करेक्ट आंसर इज सी, लाइन सेगमेंट। सेवन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। करेक्ट आंसर इज डी। एट्थ, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी डी इज इक्वल टू 17 एंड ए डी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी पॉइंट्स बी एंड सी। करेक्ट आंसर इज सी, 5 सेंटीमीटर। नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रे। करेक्ट आंसर इज डी, रेलवे ट्रैक्स। टेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री। करेक्ट आंसर इज सी। इलेवेंथ, द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर इज। करेक्ट आंसर इज बी, 8। ट्वेल्थ, द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द गिवन फिगर इज। करेक्ट आंसर इज डी, 9। थर्टीन, डैश इज अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाइक करेक्ट आंसर इज बी, कॉर्ड। 14, हाउ मेनी रेडियाई कैन यू काउंट इन द एडजेसेंट सर्किल। करेक्ट आंसर इज सी, 6। 15, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन यू काउंट इन द गिवन सर्किल। करेक्ट आंसर इज सी, 4। नाउ क्वेश्चन बैक 2, फिल इन द ब्लैंक्स। अ पॉलीगॉन कैन हैव मिनिमम 3 साइड्स। बी, अ पॉलीगॉन विद 7 साइड्स इज कॉल्ड अ हेप्टागन। सी, अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ। डी, अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। E, there are 10 millimeters in a centimeter. F, a part of a line is called a line segment. G, a part of a circle is called an arc. H, a pentagon has 5 sides and 5 vertices. I, the diameter of a chord is a chord that splits a circle into 2 halves. J, a closed figure starts and ends at the same point. K, the number of rays that can be drawn taking P as the endpoint is infinite. L, a circle has no side and no vertex. M, when we draw a circle using a compass, then the distance between the tip of the needle and that of the pencil gives the radius of a circle. So question number 2, how many lines can be drawn to pass through a point? Infinitely many. And second is 2 given points, 1. So third question, how many rectangles are there in figure 1? There are 8. Question number 4, how many line segments are there in the figure 2? 22. Question number 5, state whether each of the following statements is true or false. First is, all squares are quadrilaterals, true. Second, a triangle is a polygon, true. Third, the diagonals of a rectangle are always equal, true. Fourth, a line segment joining the center of a circle is to a point of unity is called a chord, false. Fifth, the chord of a circle can be shorter than the radius of a circle, true. So this is your assessment 12. You have to do it, do the sums. You have to not to solve briefly in your books, and the sums which you have to solve briefly, you have to do in your copies. Do them clearly and carefully. Stay home, stay safe. Thank you. Bye-bye.